रहली के पटना बुजुर्ग ग्राम में बस स्टैंड पर जमीनी विवाद को लेकर मामा ने अपने दो भतीजों के साथ भांजे की लाठियों से पिटाई कर दी। पुलिस थाने में तीन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार ढिकुआ निवासी हरिचरण कुर्मी का अपने मामा मानसिंह कुर्मी से जमीनी विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह 10 बजे हरिचरण पटना बुजुर्ग में बस स्टैंड स्थित एक दुकान पर था कि मामा मानसिंह अपने भतीजे सुरेंद्र और दिलीप के साथ आया और गालियां देने लगा। हरिचरण ने जब गालियां देने से मना किया तो मानसिंह, सुरेंद्र और दिलीप ने लाठियों से पिटाई कर दी। रैली पुलिस थाने में तीनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि ये सारी लड़ाई की लाइव घटना मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली गई, जिसमें पूरी लड़ाई देखी जा सकती है। साथ ही मारपीट करने वाले लोगों ने घायलों को कुछ देर तक घेरे रखा और उनके साथ गाली गलौज भी करते रहे। सर खेती को विवाद चल रहा था, मतलब बंटवारी को अलग खाती करवाऊंगा थी, तो हमारे मतलब किसानी सही पैसा किस जीत गए थी, मतलब हमारा जा रहे थे पिसाई कर दी हमारी खुली पटना बुजुर्ग में दुकान, तो हमारे भतीजो हतु और एक मामा को लड़का हतु दुकान, तो हम लोग गए तो हमारे मामा लोग घर भी लट्ठे लेके घेर गया दुकान पर पटना पर, तो हम देखो मतलब पिसाई लेके जा रहे थे तभी तो घेर आई थी, तो हमने कहीं कहा होगा तो देखे लई गा रही गलौच ले गई कहीं, हमने कहीं को दे रहा तो नाम तो बता हमें, तो नाम का अभी तो सब घर के घेरे थे ये अपने आप लट लाए होते पटना से जोड़ने। कितने लोग थे ये? मतलब 6-7 लोग थे।